जय हिंद, जय हिंद देशवासियों। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बड़ी दुख की बात है कि हमारे सीआरपीएफ के जवान छत्तीसगढ़ के सुकमा में ज़िले में फिलहाल 24 शहीद हो गए हैं और 7 लापता हैं। ये घटना एकाएक हुआ और 300 नक्सलियों ने हमला किए और बहुत दुखद की बात है कि उसमें महिला ब्रिगेड जिसने 200 महिलाओं की फौज थी नक्सलियों की, उन्होंने अटैक किया और हमारे 24 जवान मारे गए और 74 बटालियन के शहीद हो गए। सुनने में आ रहा है, खबर आ रही है कि डीजी साहब और कोई साहब सुकुमा में जा रहे हैं मिलने के लिए। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि साहब, वहाँ मिलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाइए और डायरेक्ट 1-2 बटालियन नहीं, 20-25 बटालियन भेजिए और वहाँ जाके ऑपरेशन करवाइए। जिस तरह से 300 ने उन्होंने भेज के हमारा ऑपरेशन बर्बाद किया है, हमारा आरोपी को बर्बाद किया है, उस तरह से उनको जाके पूरा सुकमे को छान बगाड़िए। और बताना चाहूँगा जो राजनाथ सिंह जी, आप एक अच्छे नेता नहीं साबित हो रहे हैं। आप ही के राज में सीआरपीएफ वहाँ लाठी खा रही है, आप ही के राज में सीआरपीएफ शहीद जवान हो रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को भी कि यही सीआरपीएफ जवान अमित शाह और तमाम वीआईपी नेताओं को XYZ की कैटेगरी की ड्यूटी दे रहे हैं। अब आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि राजनाथ सिंह जी, हमने आपको और भाजपा को वोट नहीं दिया, हमने मोदी को वोट दिया है और आप जैसे लोग मोदी को सही नहीं बता रहे हैं और उनके को सही डिसीजन नहीं दे रहे हैं। और रक्षा विशेषज्ञ ये आप ही TV पे आके मीडिया के सामने बहुत अच्छे अच्छे बातें बोले कि उनका ट्रेनिंग ढीला है, उनका ये काम ठीक नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके जवान को जब पाकिस्तानी सर काट के ले गए थे तब आप कहाँ थे? आपके पठानकोट एयरबेस पे जब हमला हुआ था तब आप कहाँ थे? इंटेलिजेंस आपकी कमी है तो हमारी भी कमी है, और कमी कहाँ है इसकी जांच तो करवाओ। और मीडिया भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग, विशेषकर आप लोग, इन जवानों की समस्या को किसी रक्षा विशेषज्ञ या उच्च अधिकारी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप सुकमा या किसी भी छत्तीसगढ़ के वहाँ के जवानों से पूछिए कि वो समस्या क्या है, वहाँ के जवान ही बताएंगे कि कमी कहाँ थी, तब जाके होती है। रोड बनवाए छत्तीसगढ़ सरकार, सारा सरेल छत्तीसगढ़ सरकार, और जवान शहीद हो जाए। और राजनाथ सिंह जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म हो तो आप शहीदों के जवानों के लाश को श्रद्धांजलि मत दीजिए। आप शहीद के परिवार के घर में जाके एक बार मिल लीजिए, वहाँ पे श्रद्धांजलि दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ ही मैं, प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग देश के जवानों को दर्द समझिए और सोचिए कि कहाँ कमी है। कि जवान आज स्कूल खुलते ही, कश्मीर में स्कूल खुलते ही पूरे स्कूल के गुट जितने छात्र थे सब सेना के जवानों पे हमला कर दिए। और वही आज ही देखिए कि आज यहीं पे सुकमा में हमारे कैजुअल्टी हो गई, और जब कैजुअल्टी हो रही है तो हमारी हो रही सीआरपीएफ के। बहुत दयनीय स्थिति है। हम और जवानों को मैं सख्ती दूंगा कि आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हो ना, इसी का परिणाम है। और ये सोच रहे हो कि छोड़ो, वो गया हो गया, सब मरोगे, एक एक दिन सब मरोगे, और फिर मत बोलना कि क्या क्या कमी रह गई। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।